यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज फॉर वुमेन शहीद बेनज़ीर आबाद नवामशहर से रिलेटेड है। इस यूनिवर्सिटी में सेशन 2023-24 के लिए अलाइड हेल्थ साइंसेज के एडमिशन ओपन हो चुके हैं, जिसमें चार प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं: BS इंटेंसिव केयर टेक्नोलॉजी, BS एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, BS कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी और BS मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ये चारों जो हैं अलाइड हेल्थ साइंसेज के, ये चार चार साल के प्रोग्राम्स हैं, इसमें एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर हम शेड्यूल की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन जो है जो आपको ऑनलाइन पोर्टल पर करनी है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, ये 1 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है इसमें अप्लाई करने की वो है मंडे 15 जनवरी 4 बजे तक, और आपको जो एडमिट कार्ड है एंट्री टेस्ट के लिए वो इस 15 जनवरी के बाद ही मिलेंगे, जब एडमिशन्स क्लोज हो जाएंगे, और एंट्री टेस्ट इसमें होगा लाजमी इन चारों प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए। और ये जो वेबसाइट यहाँ पे मेंशन है, आप इसकी वेबसाइट पे जाकर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देख भी सकते हैं एडमिट कार्ड कब आएगा और इंट्री टेस्ट का सिस्टम जो भी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपके एटलीस्ट HSC प्री मेडिकल में अगर आपने किसी कसिन बोर्ड से किया है तो 50% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आपने अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपने इंटरमीडिएट किया हुआ प्री मेडिकल में या फिर कोई भी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और जिन्होंने 2020 से 2021 या 2022 से 2023 में इंटरमीडिएट अपना कंप्लीट किया है वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा मेरिट बेसिस पर एडमिशन होंगे और एज लिमिट जो है वो 17 से 25 ईयर्स है, और जिन्होंने 1 साल का डिप्लोमा किया है इन चारों में से किसी भी डिसिप्लिन में वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। देन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है इस वेबसाइट पर मेंशन है, ये इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाकर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, और ये मैंडेटरी है सारे कैंडिडेट्स के लिए कि वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें, उसका प्रिंट आउट निकालें और उसको सबमिट करें एडमिशन डिपार्टमेंट पम्स में, और बाई कोरियर सर्विस, यानी कि आपने कोरियर करना है एडमिशन डिपार्टमेंट में पम्स के, और इसके साथ आपके जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी फोटोकॉपीज भी जाएंगी। उसके बाद अगर आपका एडमिशन कंफर्म होता है तब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है यूनिवर्सिटी के अंदर सबमिट करवाने होंगे। इसका जो एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी है एंट्री टेस्ट देने की वो नॉन रिफंडेबल है, 3,000 रुपीज़ है, और ये जो अकाउंट नंबर यहाँ पर मेंशन है इसका टाइटल भी यहाँ पर मेंशन है, पम्स ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेसिपिएंट्स रिसिप्ट अकाउंट हबीब बैंक लिमिटेड में, इसमें आपने ये जमा करवाना है। ये जो चालान फॉर्म होगा आपको जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेंगे तो वहीं पर वेबसाइट पर ही मिल जाएगा, और आपने जब अपने एप्लीकेशन फॉर्म डॉक्यूमेंट्स के साथ भिजवाएंगे एडमिशन डिपार्टमेंट पम्स के तो आपको इसका ओरिजिनल पेड बैंक चालान भी भिजवाना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को भी फेक वगैरह नहीं चाहिए। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी तो डोमिसाइल का मसला है, सिर्फ सिंध के कैंडिडेट्स ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर कोई कैंडिडेट जिनके ड्यूअल डोमिसाइल वाला होता है सिस्टम तो वह नहीं अप्लाई कर सकते, वो फिर जो है फेक या फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स में कंसिडर होता है। और आपने बिल्कुल ध्यान से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन अपने सेल नंबर वो जो एक्टिव हो और ईमेल वगैरह सब कुछ डालनी है, और आपने प्रूफ देना होगा अपनी फॉरेन क्वालिफिकेशन का, अगर किसी ने AO लेवल बाहर से किया है नहीं तो, और इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट भी IBCC से इशू होता है वो सबमिट करवाना होगा, नहीं तो आपका जो एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट भी हो सकती है। और ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो रिसिप्ट अंडर प्रोसेसिंग जैसे डोमिसाइल इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट होता है उनकी कोई भी रिसिप्ट जो है कंसिडर नहीं की जाएगी, आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही यहाँ पर भेजने हैं। उसके बाद अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो फीस है आपको एनुअली देनी होगी, ये सारी इसमें कोई भी फी कंसेशन या फिर इंस्टॉलमेंट पॉलिसी वाला कोई भी सीन नहीं है, आपको सारी की सारी फीस एनुअल बेसिस पर देनी होगी। एडमिशन फीस 50,000 है और ट्यूशन फीस जो पर ईयर है 1,40,000 है इन चारों प्रोग्राम्स के लिए, बाकी सारी डिटेल्स भी यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस होते हैं लैब वगैरह के, ये सब भी यहाँ पर मेंशन है। टोटल जो आपको फर्स्ट ईयर में अमाउंट देनी है वो 2,68,000 है, और सेकेंड ईयर से ऑनवर्ड्स जो आपको देनी होगी वो 1,98,000 होगी। उसके बाद अगर हम हॉस्टल की बात करें तो पम्स में वुमेन यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर हॉस्टल जो है वो फैसिलिटी अवेलेबल है। एडमिशन फीस इसकी पर ईयर है 10,000 और रूम रेंट पर ईयर है 6,000 रुपीज़, जिसमें इलेक्ट्रिक और वाटर चार्जेस शामिल हैं, और इसमें मील के चार्जेस नहीं लिखे हैं, बाकी मेंटेनेंस और आईडी कार्ड के चार्जेस लिखे हुए हैं। तो टोटल आपको जो फर्स्ट ईयर में देनी होगी वो 21,500 होगी, और अगर आप एफ ब्लॉक में लेते हैं, ये VIP ब्लॉक होता है और ये इसकी कम ही सीट्स होती हैं, और ये आपको इसकी अलग से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, तो उसकी जो फीस है वो 45,000 होगी ईयरली।
देन अगर हम इंट्री टेस्ट की बात करें तो इन चारों प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए आपको एक मैंडेटरी इंट्री टेस्ट देना होगा, जो कि आपके इंटरमीडिएट की जो बुक्स थी सिंध बोर्ड की है, जो भी आपने जिस भी बोर्ड से किया है तो उन्हीं इंटरमीडिएट की बुक्स में से आएगा। इसमें 100 MCQs होंगे टोटल, जिसमें से बायोलॉजी के 30 होंगे, फिजिक्स के 30 होंगे, केमिस्ट्री के 30 होंगे और इंग्लिश के 10 MCQs होंगे। और जो फार्मूला होगा एग्रीगेट फार्मूला और मेट्रिक की आपकी 10% वेटेज लगेगी, इंटरमीडिएट प्री मेडिकल की 40% वेटेज लगेगी। इसके अलावा जो हाफिज़ुल कुरान सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट्स होते हैं उनके 20% मार्क्स एक्स्ट्रा होंगे, जो उनके इंटरमीडिएट वाली वेटेज में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा एंट्री टेस्ट जो आप देंगे उसके 50% वेटेज लगेगी। आपको 120 मिनट्स दिए जाएंगे इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, और इसमें हर MCQ का एक मार्क है, यानी कि आपका जो एंट्री टेस्ट है वो 100 मार्क्स का होगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ताकि आपको लास्ट डेट से पहले पहले तमाम नोटिफिकेशंस रिसीव हो सकें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।